अप्रमादी है। एक दिन हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था बहुत अच्छे से, अप्रमादी भगवान बुद्ध ने किसको कहा क्या कहा था, एक दिन चर्चा किए थे ना। आलस इस जीवन का सबसे बड़ा रोग है। आलस धर्म के काम ही नहीं, जीवन के प्रत्येक कार्यों में सबसे बड़ा रुकावट है, सबसे बड़ी विघ्न और बाधा है। आपके किसी भी कुशल काम में इतना बड़ी बाधा तो कुछ भी नहीं हो सकता है जितनी बड़ी बाधा आपका आलस होता है। इसलिए भगवान ने कहा आलसो, जो आलसी है वह उसके पतन का कारण एक प्रमुख कारण होता है। आगे कोद पंजानो, मतलब जो बहुत क्रोधी स्वभाव का है, पग पल पल पर हर छोटी छोटी बात पे जो चित्त में क्रोध उत्पन्न कर देता है, यह उसके पतन का कारण है। और ये हर क्षण छोटी छोटी चीजों पे क्रोध उत्पन्न ना हो उसका क्या उपाय भगवान ने बताया था, मंगल सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था ना। यदि हमारे अंदर वो एक गुण हो, कौन सा, खंति है? नहीं, मन को शांत करना नहीं, खंति, क्षमाशीलता का गुण, क्षमाशीलता का गुण होगा तो क्रोध अपने आप कम होगा। जब किसी की बात मुझे अप्रिय लगती है, नापसंद होती है, काम हो, बात हो, गुण हो, कुछ भी हो, तभी तो क्रोध आता है। और ऐसे अवसर पर यदि मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में, मेरी आदत में क्षमाशीलता का गुण है तो क्रोध कैसा होगा, प्रबल होगा, बढ़ेगा। क्रोध का स्वभाव सुताई धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये नहीं तो उसका क्रोध रूपी स्वभाव बढ़ता है। तो जो भगवान कहते हैं जो बहुत अधिक क्रोध करने वाला है, तंग पराभक्तो मुखं, ये उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। आगे भगवान कहते हैं यो मातरं वा पितरं वा जिनकं गत यौवनं, यो मातरं वा पितरं वा जिनकं गत यौवनं, जो मातरंग बा पितरंग बा, जो पुरुष समर्थ होने पर भी जिन्नकं, जो जील हो गए, जिन्नकं मतलब जील, गत यौवनंग, जिनका यौवन चला गया, जिसका यौवन चला गया वो क्या होता है, वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। और जिन्नकं जो दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए हैं, तो जो व्यक्ति अपने बूढ़े, दुर्बल, कमजोर शारीरिक रूप से माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है, पाहु संतो न भरत, पाहु संतो मतलब बहुत सामर्थ्यवान होने पर भी न भरत, भरण पोषण नहीं करता है, तंग पराभक्तो मुखं, पूरी गाथा में एक ही बात है, तंग पराभक्तो मुखं, यह उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। कौन सा, जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होने पर भी अपने दुर्बल, वृद्ध, कमजोर माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, सत्कार नहीं करता है, यह उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। मंगल सूत्र को पढ़ाते समय हम लोगों ने चर्चा किया था माता पिता उपठाना, पुत्र पुत्री द्वारा माता पिता की सेवा करना उनका मंगल होता है, और माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए वहाँ हम लोगों ने चर्चा किया था, इसलिए पुनः रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
बस इतना समझना चाहिए, यदि नहीं करता है कोई व्यक्ति, भगवान कहते हैं सामर्थ्यवान होने पर भी न तो भरण पोषण करता है न ही सेवा सत्कार करता है, तो उसका हमेशा पतन जानना चाहिए, उसकी कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं कि यो ब्राह्मणं वा समनं वा अन्यं वापि वनिब्बकं, यो ब्राह्मणं वा समनं वा, जो पुरुष किसी ब्राह्मण या श्रमण अन्यं वापि वनिब्बकं अथवा किसी भी दूसरे, अन्यंग मतलब दूसरा, बने मतलब बने भक मतलब याचक, याचक जानते हैं जो मांग कर खाने वाले हैं, याचना करता है दरवाजे पर, उसे भोजन मिलता है तब वो अपने लेके खाता है, तो ऐसे कोई भी याचक, कोई भी ब्राह्मण श्रमण, पहले जमाने में जो इस तरह का श्रमण या ब्राह्मण होता था उनके लिए होता था, जो कहीं ना कहीं धार्मिक जीवन जीते थे और मांग कर ही खाते थे, विचाटन करके ही खाना, पहले ब्राह्मणों भी उनका परिवार होता था, फिर भी उनका जो पैसा होता था वो राशन मांगना ही होता था, आटा दाल चावल घर घर जाकर के मांगते थे, तो इसलिए कहा गया यो ब्राह्मणं वा समनं वा अन्यं वापि वनिब्बकं, जो कोई ब्राह्मण श्रमण या अन्य किसी याचक को मुसावादेन वंचति, मुसावादेन झूठ बोलकर वंचित, वंचित करता है, वंचित रखता है, कैसे, इसका क्या अर्थ है, सिंपल है, आपके दरवाजे पे कोई भी श्रमण साधु संत कोई भी जिसको जरूरत है वो आपके दरवाजे पे भोजन मांगने आया, आप देख रहे हैं कि मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, ये तो दूसरे धर्म का साधु है, इसको नहीं दे सकता, जाओ जाओ आगे जाओ, मेरे घर में है नहीं, आपके पास भोजन है देने को, आप कहते तो जाओ आगे जाओ, मेरे पास भोजन देने के लिए नहीं है, या फिर कोई भी आ जाए और आपकी देने की नियति नहीं है, देने की श्रद्धा नहीं है, देने की चेष्टा नहीं है, तो भी आप कहते जाओ मेरे पास नहीं, आगे देखो, तो इस प्रकार से झूठ बोल करके उनको वंचित रखना, याचना करना धर्म है, काम है, याचना कर रहे मांग रहे, और उनको झूठ बोल करके उनको हम नहीं देते हैं, तो ये मेरे जीवन में पतन का कारण बनता है, इसलिए यदि कोई आपके दरवाजे पर भोजन के लिए आता है, वह व्यक्ति आपके संप्रदाय का, आपकी जाति का, आपके धर्म का, आपके मजहब का, आपकी बिरादरी का है या नहीं, ये सब नहीं देख रहा, अंतोगत वह कोई भी मनुष्य है या कोई भी प्राणी हो, आपके पास है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आपको देना चाहिए, उसको झूठ बोल करके वंचित नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति ऐसा करता है भगवान कहते हैं तंग पराभक्तो मुखं, वह उसके पतन का प्रमुख कारण होता है।